फ्रेंड्स, दिस इज़ स्वप्निल पुरवान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम टुगेदर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगी। आज बात करते वक्त मुझे अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, दुख भी हो रहा है ये जान करके कि हमारी सोसाइटी में आज भी इतने सारे लोगों की तादाद है जो किसी की एबिलिटी को, किसी की एक्सपीरियंस को, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। किसी की सक्सेस से मतलब एक जेलस वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कैसे आगे निकल रहा है। मतलब ये अपने आप में सोचने में भी एक शेमफुल थिंग लगती है, मुझे लगती है पर्सनल लेवल पर, कि हम क्यों दूसरे की खुशी में या दूसरे की सक्सेस में दुखी होने लग जाते हैं। हम मतलब बहुत सारे लोग जो ऐसी फीलिंग रखते हैं। हम जानते हैं कि कुछ टाइम पहले अभी यूपी बोर्ड रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, जहाँ पर स्टेट में टॉप किया था एक स्टूडेंट ने जिनका नाम प्राची निगम है। मीन्स मैंने उनके बारे में इतना सारा देखा, जहाँ पर लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं उनके लुक्स को लेकर के। मीन्स आप बताइए कि उस स्टूडेंट ने इतना अच्छा स्कोर किया, उसको अप्रिशिएट करने की वजह हम क्या कर रहे हैं, मतलब लोग क्या करते हैं। आप उसके लुक्स को लेकर एक छोट मतलब एक मैटर ही नहीं कर रही है, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती ये सब चीज़, जब आपका काम सामने आता है, है ना। आप अपने काम की वजह से जाने जाओगे या अपने लुक्स की वजह से? क्या मतलब किसी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना फ़ोटो देने से पहले बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से आना होगा, मेकअप करके आना होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक बहुत खूबसूरत दिखना होना इम्पॉर्टेंट है? मीन्स उसकी अंदर उसकी स्किल्स उसकी इंटरनल ब्यूटी कुछ मैटर नहीं करती। मैं ये सोच के भी हैरान हूँ कि हमारी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं जो मतलब इस टाइप की थिंकिंग बनाए हुए हैं। तो उनसे मतलब रिक्वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही काफ़ी समझदार होंगे। मतलब आप ये सोचिए कि आपने एक स्टूडेंट जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, जो टीन एज में है, जो मतलब कितनी मेहनत करके उसने ये सब अचीव किया होगा। मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे प्राची के, जिसमें उन्होंने कहा था कि काश मतलब एक दो मार्क्स कम, मतलब कुछ मार्क्स कम आ जाते तो अच्छा होता, एटलीस्ट मतलब वो शो ऑफ नहीं होती, उनका नाम सामने नहीं आता। कितनी शर्म की बात है कि किसी स्टूडेंट ने ऐसा कहा है। वो इतने अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे परसेंटेज बनने के बाद स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो टॉप करें, वो रैंक पोजीशन पर आए, उनका नाम पेपर में आए। उसका आया भी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मतलब उसको मतलब एक तरीके से इतना अंदर ही अंदर डिमोटिवेट कर दिया। आपने सोचा है कि वो अपने इंटरव्यू में ऐसा कह रही है, उसकी क्या मेंटल स्टेटस होगा, वो क्या सोचती होगी लोगों के बारे में कि टॉप करना, अच्छे परसेंटेज लाना, मेहनत करना इतना बेकार उसे मिल सकता था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे ये बात इतनी नेगेटिव नहीं है, अगर सोचा जाए एज अ टीचर और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं कि लुक्स पर नहीं जाना और कुछ होता भी नहीं है उससे, वो मैटर करता ही नहीं है लाइफ में। लाइफ में आप किस काबिल हो, आप क्या कर सकते हो, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी एबिलिटीज़, आपकी काम करने की क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस, ये सब मैटर रखते हैं। आप एक्चुअल में कितने एबल हो, क्वालिफाइड हो करने के लिए काम, वो सब मैटर करता है। आप में लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ना कि लुक्स। सो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों ने ट्रोलिंग की है, कि आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में वो पता चल गया है, इसलिए किसी को भी इस तरीके से डिमोटिवेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट आज इतने अच्छा स्कोर कर रही है, MP का ये वीडियो प्राची कभी आप तक पहुँचे UP में, तो आप इस बात को नोट कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती हो। इसलिए इतना इन सब लोगों के बारे में मैं समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि हाँ मैं एम्पेथाइज्ड हूँ कि आप क्या महसूस किया होगा जब आपके सामने ये सब चीज़ें आया, आपकी फैमिली ने ये सब देखा होगा, उन्हें भी हर्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लिख के रख लीजिए कि आप अपने फ्यूचर में हमेशा अच्छा ही करेंगी, ब्राइट स्टूडेंट है और आप हमारे देश का नाम रोशन ही करेंगी। इसलिए इन ट्रोलिंग्स पर बिल्कुल नहीं जाइए, इन सब का कोई सेंस नहीं बनता है लाइफ में। अगर आप एक स्पिरिचुअल फॉर्म में भी देखेंगे तो इन सब का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं।
हमें बॉडी से हट करके सोचना होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस हो जाता है वो सिर्फ इसी को संवारने में, इसी को निखारने में, इसी की केयर करने में लगा रहता है। ना ही वो क्रिएटिविटी कभी अपनी दिखा पाता है और ना ही वो कोई अच्छा काम कर सक पाता है अपनी लाइफ में। उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद पर ही होता है, खुद के लुक्स पर ही होता है। इसलिए जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा किसी के साथ ना करें। किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम की भी अपनी कोई चीज़ होती है, हर व्यक्ति को आप एक जैसा नहीं शो कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को करना बंद होना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में किसी भी स्टूडेंट को सोचना नहीं चाहिए। जो काम कर रहे हैं आप लोग वो तो अच्छा है ही, आप इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए वो आप जैसे स्टूडेंट और भी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनती है। सो इतना ही कहना चाहूँगी मैं इस वीडियो में कि किसी को भी इस टाइप से हर्ट करना, उसकी बॉडी को लेके, उसके लुक्स को लेके, किसी भी टाइप से इज़ नॉट गुड। थिंक अबाउट इट, आप अपना कैसा बैकग्राउंड शो कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा खूबसूरती ही सब कुछ हो वो तो होता नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने आप से, अपनी सोच से, हमारे इंटेलेक्ट से, हमारी क्रिएटिविटी से हम जाने जाते हैं। जस्ट ये कि ये एक स्टूडेंट हैं, तो इन्हें छोड़ दिया जाए, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे कंट्री के, हमारे देश के लिए। क्योंकि ये वही स्टूडेंट है जो चांद तक जाएंगे, जो कुछ नया इन्वेंट करेंगे। आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से डीमोटिवेशन मिलता है इन्हें कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी स्टेप पर। ये कहीं ना कहीं फिर आपकी बातें इनके माइंड में आ सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि प्राची अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाइएगा कि इस टाइप की हज़ार चीज़ें भी आपको छू के निकल जाए, आपके सामने आ जाए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी एबिलिटी होती है हमारे अंदर। सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राची निगम, कहीं आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचे तो आप कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।